नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देव और आप सबका स्वागत करता हूँ ऑल अबाउट पेट्स में। और आज मैं बात करूंगा कि अगर आपकी रैबिट ने, फीमेल रैबिट ने छोटे छोटे बच्चे दिए हुए हैं, तो आपको उसका मतलब उनके बच्चों का मतलब रैबिट बेबीज का और मम्मा रैबिट का कैसे ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको कुछ टिप्स दूंगा। उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपको पता कैसे चलेगा आपकी जो रैबिट है वो डिलीवर करने वाली है। तो जिनको एक्सपीरियंस है उनको पता होगा, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी जिनकी रैबिट पहली बार डिलीवर करने जा रही होगी, मैं आपको बता दूं कि अपने वो फेदर जो सॉरी फेदर नहीं फर जो होता है मतलब अपने रोएं प्लक कर लेगी, मतलब रोएं अब खुद ब खुद ही उखाड़ लेगी अपने बॉडी से और न्यूज़पेपर फाड़ने लगेगी और कोई भी मतलब आसपास कोई भी चीज़ हो उसको इकट्ठा कर लेगी एक जगह पे नेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये डिलीवरी से 3 से 4 दिन पहले स्टार्ट कर देती है। अभी मैं आपको छूकर दिखाता हूँ अपने जो ये फीमेल रैबिट है, इसके फर को आप देखिए, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि इसने जगह जगह से अपनी जो है प्लकिंग कर रखी है और इसने अपने पूंछ को भी नहीं छोड़ा, मतलब पूंछ के आसपास भी मतलब पूरा का पूरा प्लक कर दिया, जैसे कि आप अभी इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसने पूंछ को भी मतलब ऑलमोस्ट इसने पूरा का पूरा प्लकिंग कर दिया था। तो आपको पता चल गया कि प्लकिंग हो रही है और सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा है, उसका मतलब ये जल्दी डिलीवर करने वाली होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको एक केज में उसको शिफ्ट कर देना है और केज के अंदर आपको थोड़े कपड़े रख देने या फिर आपको मतलब कोई भी घास फूस रख देना है। ठीक है, तो जिससे कि मतलब वो अगर पॉटी वगैरह कर रही है तो वो सूख जाए और उसको मतलब सोख कर ले, घास जो है उसको सोख कर ले, या फिर आप कट्टा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने कट्टा यूज़ किया था। साथ में आप अगर आप कपड़ा रखते हैं तो कपड़े के ऊपर मोस्टली जो है आपकी फ़ीमेल रैबिट डिलीवर कर देगी। और जैसे ही आपके बच्चे हों मतलब रैबिट्स के बच्चे हों तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि क्योंकि जो दूसरे रैबिट्स होते हैं वो छोटे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एक केज में काफ़ी सारे रैबिट्स हैं और आपकी एक फ़ीमेल ने डिलीवरी की है, छोटे छोटे बच्चे दिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरे रैबिट्स बच्चों को नहीं मारे। तो गाइज़ अभी आप हमारे जो है 7 बच्चे देख लीजिए, सॉरी 5 बच्चे हैं जो कि 7 दिन के हैं, मतलब 1 हफ्ते के बच्चे हैं, जिसमें से 4 तो इसने वाइट दिए और एक थोड़ा ब्लैक। अभी मैं इसको इस छोटे वाले बच्चे को उठा के थोड़ा इनके पास रख दूंगा, मतलब चारों के पास रख दूंगा। तो गाइज़ आपको ध्यान ये देना है कि जब आपके रैबिट ने बच्चे दिए हों और अगर बच्चे अलग अलग हो, जैसे ये एक अलग था, ठीक है, तो अपने अपने सबको एक साथ रख देना है। अगर वो झुंड में हो तो ठीक है, और अगर अलग अलग बिखरे हुए हो तो सबको एक साथ रख देना है, जैसे कि मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। आराम से बच्चा भाग सकता है इधर उधर, लेकिन फिर भी आपको उठाकर एक साथ रख देना, जिससे इनको आपस में गर्मी मिलती है। और आप साथ में रूम हीटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो ठंडी में आप रूम हीटर लगाए तो बढ़िया है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। मैं इसको ऑन रखता हूँ ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो घर का टेम्परेचर है वो सही बना रहे और इनको ठंड ना लग जाए। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको पता होगा कि कुत्ते बिल्ली या फिर जो हमारी बर्ड्स होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ही हमेशा बैठे रहते हैं, बच्चों के साथ ही रहते हैं, लेकिन रैबिट्स हम हाँ मतलब अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, वो उनकी मम्मा जो होती है अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है और वो सिर्फ दूध पिलाने ही आती है। आपको क्या करना है कि आपको बस बच्चों को गर्म रखना है और इनकी मम्मी को टाइम टू टाइम फीड देते रहना है, इनकी मम्मी को टाइम टू टाइम खाना देते रहना है, बाकी जो मिल्क जो फीडिंग करानी है वो इनकी मम्मी मतलब मम्मा जो रैबिट है वो अपने आप करा देगी, या आपको पता होगा कि वो सुबह या तो फिर शाम को कराएगी अपने बच्चों को फीड या फिर सुबह कराएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार ही फीड कराती है अपने बच्चों को। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरी जो फीमेल रैबिट है वो तो फीड ही नहीं करा रही है अपने बच्चों को, और मेरी फीमेल रैबिट रहते भी नहीं है उनके साथ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। फीमेल रैबिट को जब लगेगा कि हाँ मेरे बच्चों को भूख लगी है, वो दूर से देखती रहती है अपने बच्चों को, और जब जब भी उसको लगता है कि हाँ मेरे बच्चे भूखे हैं तो वो ज़रूर उनको जाकर दूध पिला देगी, उस बारे में आपको टेंशन नहीं लेना। आपको बस फीमेल को डाइट देना है अच्छा, और बच्चों को गर्म रखने के लिए आप चाहें तो उनको किसी भी रूम में रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए एक साथ, और रूम हीटर जला दीजिए, और रूम हीटर नहीं जला सकते तो फिर किसी भी मतलब एक घास का ढेर सा बनाकर आप उनमें रख दीजिए बच्चों को। फीमेल रैबिट देखेगी, जब भी उसको लगेगा कि फीड कराना है वो करा देगी और फिर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो यही सब प्रिकॉशंस थे, मतलब आपको पहली बात टेंशन नहीं लेनी कि आपकी जो फीमेल है उसको वो अपने बच्चों को फीड नहीं करा रही है, रह नहीं रही है साथ में, ऐसा होता है। हाँ, कई बार जो फीमेल होती है सुबह अगर बच्चे दे रही है तो एकदम शाम को जाके फीड कराएगी उन्हें, तब के तब फीड नहीं कराती है।
ठीक हो गया। और दूसरी बार मैंने आपको बता दिया कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, या मतलब जब डिलीवरी करने वाली होती है आपकी फीमेल, तो अब वो कैसे बिहेव करती है, वो कैसे बिहेव करती है, अपने फेदर सॉरी अपने जो फर है वो प्लक कर लेती है, अपने रुओं को उखाड़ लेती है और न्यूज़पेपर कलेक्ट करती है कहीं ना कहीं से फाड़ फाड़ के, हर चीज़ वो कुतरने की कोशिश करती है और एक इकट्ठा कर लेती है नेस्ट बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें कुछ नई बातें कही है आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रैबिट्स के वीडियोस आगे भी डालता रहूं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करना ना भूलें मेरे चैनल को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, देखते रहिए ऑल अबाउट पेट्स। थैंक यू।